अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग क्लास 3। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, यूनिट नंबर 4, पार्ट नंबर 2, लिविंग थिंग्स इन योर साइंस बुक्स। व्हाट प्लांट्स प्रोड्यूस, यानी प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं या फिर प्लांट्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट्स के हिस्से। Flowers are the parts of the some plants that become the fruits and seeds. यानि flower, कुछ plants के flower जो हैं वो उनके fruits और seeds बन जाते हैं। These grow into new plants और फिर ये fruits and seeds जो हैं वो new plants बनाते हैं। Second part क्या है? Leaves यानि पत्ते। Leaves make food for the प्लांट। अब लीव्स क्या काम करते हैं? लीव्स प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं यानी ग़िज़ा वगैरह बनाते हैं। लीव्स आल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। इसके अलावा ये लीव्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस बनाते हैं जो कि हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू कीप अस अलाइव। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी होती है? हमें ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। नंबर 3 पार्ट, स्टेम्स। स्टेम्स आर द स्टॉल्क दैट मूव्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द प्लांट टू द लीव्स एंड फ्लावर। अब स्टेम्स का काम क्या होता है? स्टेम्स का काम होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी जितना बड़ा भी पौधा होता है उसको फूड और वाटर प्रोवाइड करना। ठीक है, स्टेम्स आल्सो सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इसके अलावा ये क्या करती है? प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट करने का भी काम करती है। रूट्स टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। रूट जो है प्लांट का फोर्थ पार्ट है जो क्या करती है, जिसके थ्रू वाटर जाता है कहाँ पर? प्लांट के अंदर। ठीक है, यानी रूट्स जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन मौजूद होती हैं, यानी ज़मीन के नीचे मौजूद होती हैं, जो कि क्या करती हैं, नीचे पानी, नीचे से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। रूट्स वर्क लाइक स्ट्रॉस टू सक अप वाटर। ये वाटर सक अप करने का काम करती हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। और इसके अलावा ये प्लांट को खड़ा रहने के लिए भी हेल्प करती हैं। पेज नंबर 21, फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? लुक एट एनी गार्डन। हमने बहुत सारे गार्डन में देखा होगा, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस आर द फ्लावर। पहली चीज़ जो आपने नोट की होगी वो होगी फ्लावर। फ्लावर्स आर लवली कलरफुल एंड स्मेल स्वीट। यानी फ्लावर जो हैं बहुत प्यारे होते हैं, कलरफुल होते हैं और उनकी खुशबू भी बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। All seeds come from flowers. ठीक है, जितने भी seeds होते हैं वो flower के ज़रिए ही आते हैं या फिर बनते हैं। Flowers help plants to reproduce or make copies of themselves. अब ये flower plants की किस तरह से मदद करते हैं, यानी एक flower से ही बहुत सारे flowers बनते हैं यानी reproduce होते हैं। किस तरीके से? कि वो अपनी ही copies को बना रहे होते हैं। फर्स्ट टाइनी बर्ड अपीयर्स ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट। सबसे पहले क्या होता है? एक छोटी सी बर्ड यानी एक छोटी सी कली अपीयर्स होती है प्लांट्स के स्टेम में। द बर्ड ग्रोस इनटू अ फ्लावर। उसके बाद बर्ड जो है, यानी वो जो कली है, वो एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक फ्लावर बन जाती है। लेटर ऑन द फ्लावर ग्रोस इनटू अ फ्रूट। उसके बाद क्या होता है? वो फ्लावर फ्रूट में तब्दील हो जाता है। फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रूट्स जो हैं वो फ्लावर्स से ही बनते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर सीड्स मौजूद होते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे, जैसे पपीते में बहुत सारे सीड्स होते हैं, एप्पल्स में कम होते हैं, यानी नंबर ऑफ सीड्स डिपेंड करता है फ्रूट टू फ्रूट। Some like the mango have only one large seed। जिस तरीके से मैंगो में सिर्फ एक ही सीड मौजूद होता है बड़ा सा। The others like the papaya have many tiny seeds। इसी तरीके से पपाया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं। Seeds are protected by the skin and flesh of the fruit। ये सीड्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं स्किन से, और कहाँ मौजूद होते हैं? फ्रूट के अंदर। ठीक है,
जर्मिनेशन, इनकी जर्मिनेशन किस तरह से होती है, यानी ये बढ़ते फलते और फूलते किस तरीके से हैं। सीड्स यूजुअली हैव अ हार्ड कवरिंग इनसाइड ईच सीड, देयर इज़ अ बेबी प्लांट। जो सीड होता है उसके अंदर हार्ड कवरिंग होती है, हर सीड के अंदर एक बेबी प्लांट मौजूद होता है जो कि उस कवरिंग के अंदर मौजूद होता है। व्हेन अ सीड इज़ पुट इनटू द सॉइल, जब ये सीड को सॉइल में डाला जाता है यानी मिट्टी में डाला जाता है, एंड गेट्स इनफ वाटर, और उसके अंदर पानी डाला जाता है, सनलाइट डाली जाती है और एयर शामिल होती, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ये न्यू प्लांट में बढ़ने लगता है। वी से दैट द सीड हैज़ जर्मिनेटेड, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये प्रोसेस हमारा जर्मिनेशन कहलाता है, यानी सीड जो है वो पूरे तरीके से जर्मिनेट हो चुका है। वेजिटेबल्स, विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक टू ईट, आपको कौन सी वेजिटेबल्स खाना पसंद है। ह्यूमन एंड एनिमल्स ईट मैनी डिफरेंट वेजिटेबल्स, यानी ह्यूमन्स यानी इंसान और जानवर बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स खाते हैं। वेजिटेबल्स आर पार्ट ऑफ अ प्लांट, वेजिटेबल्स जो हैं वो प्लांट का एक हिस्सा है, सच एज स्टेम, बर्ड, लीव और रूट एज वेल एज फ्रूट। जिस तरीके से स्टेम होता है, बर्ड होती है, लीव होती है और फ्रूट होती है, ठीक है, इस तरीके से ही हमारे पास वेजिटेबल्स भी मौजूद होते हैं। इसके बाद आते हैं लीफ बर्ड्स पे। अब वो लीफ, वो वाली बर्ड्स जो जिसके अंदर बहुत सारे लीव्स मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं लीफ बर्ड्स। लीफ बर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कैबेज एंड लेट्यूस आर रियली बर्ड्स, यानी कैबेज और लेट्यूस वो वाले होते हैं जो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, यानी ये प्लांट्स जो हैं वो सीड की मदद से ही ग्रो करते हैं। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ अ बर्ड, यानी ये इस तरह के होते हैं कि इनका पूरा जो प्लांट होता है वो कली की तरह से होता है जो कि पत्तों में लिपटा हुआ होता है। ईच बर्ड कंटेन्स मैनी लीव्स, और इनके एक बर्ड्स में बहुत सारी लीव्स होती हैं। नंबर टू, लीव्स, स्पिनिश एंड चीव्स आर लीव्स वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लीव्स वेजिटेबल कहते हैं, यानी पत्तों वाली जो सब्ज़ी होती है जिसमें स्पिनिश एंड चीव्स आर लीफ वेजिटेबल। इसके बाद आते हैं रूट्स वेजिटेबल, ये वो हैं जो कि ज़मीन की जड़ों में मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं रूट्स वेजिटेबल। कैरेट्स, रेडिश एंड टर्निप्स आर स्वॉलन रूट्स, यानी कैरेट्स यानी गाजरें, रेडिश यानी टर्निप्स यानी शलजम, मूली, ठीक है, रेडिश यानी मूली, टर्निक मतलब शलजम आर स्वेलन रूट्स, यानी ये वो रूट्स हैं जो कि ज़ेरे ज़मीन पाई जाती हैं, ये वो वेजिटेबल्स हैं जो कि हमें ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। स्टेम्स कैन बी हॉलो और सॉलिड, ठीक है, अब स्टेम्स वेजिटेबल क्या होती हैं, यानी वो हॉलो और सॉलिड होती हैं, यानी बड़ी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं और सॉलिड होती हैं। राउंड और स्क्वायर, यानी राउंड शेप में भी हो सकती हैं और स्क्वायर शेप में भी हो सकती हैं, रफ़ और स्मूथ, रफ भी हो सकती हैं और स्मूथ भी हो सकती है। शुगर कैन एंड सेरली आर स्टेम, जिस तरीके से शुगर कैन और सेरली होती, ओके, स्टेम्स, स्टेम्स कैन बी हॉलो और सॉलिड। अब स्टेम्स फ्लावर पार्ट जो होता है वो किस टाइप का होता है, वो हॉलो और सॉलिड होता है। राउंड और स्क्वायर, वो राउंड और स्क्वायर भी हो सकता है, रफ और स्मूथ भी हो सकता है। शुगर कैन एंड सेरली आर स्टेम्स, शुगर कैन एंड सेरली जो हैं वो स्टेम्स हैं, यानी जो गन्ना हम खाते हैं और डिफरेंट टाइप्स की जो वेजिटेबल्स खाते हैं जिसमें सेरली आते हैं वो भी हमारा स्टेम पार्ट्स में आता है। स्टेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड लीव स्टॉल्क, इसके अलावा ये लीव के लीव स्टॉल्क भी कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं ट्यूबर्स पर, ट्यूबर्स मतलब पार्ट्स, प्लांट्स के वो पार्ट्स जो के जड़ों से या ट्यूब से मिलते जुलते हैं। पोटैटोस, जिंजर एंड याम्स आर ट्यूबर्स, पोटैटोस यानी आलू, जिंजर्स अदरक एंड याम्स यानी शकरकंदी वगैरह ट्यूबर्स कहलाते हैं। दीज आर स्टेम्स विच ग्रो अंडरग्राउंड, क्यों, क्योंकि ये इस तरह की स्टेम्स हैं कि ये ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं, यानी ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। फ्लावर बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स क्या होते हैं, मतलब हम फ्लावर बर्ड्स कह सकते हैं इस किस्म के प्लांट्स को
जो कि बर्ड्स की तरह होते हैं, यानी राउंड और ग्लोब शेप में होते हैं, ठीक है। कॉलीफ्लावर एंड ग्लोब आर्टिचॉक्स आर फ्लावर बर्ड्स, ठीक है। यानी ऐसे फ्लावर जैसे हमारे पास फूल गोभी होती है, और हमने अक्सर देखा होगा हमारे पास वो भी होती है, ब्रोकली भी होती है, और भी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी हमारी बर्ड्स फ्लावर में आती है, ठीक है। द वाइट पार्ट ऑफ अ कॉलीफ्लावर इज़ द वेजिटेबल, ठीक है। यानी कॉलीफ्लावर का जो वाइट पार्ट होता है, गोभी का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो गोल सा होता है, वो वेजिटेबल होता है, जो कि किससे ढका हुआ होता है, यानी उसके आसपास लीव्स पाए जाते हैं। अब आते हैं फ्रूट्स पे। अब फ्रूट्स कैसे पार्ट होते हैं प्लांट के? सम वेजिटेबल्स आर रियली फ्रूट्स, द टोमेटो इज फ्रूट, द चिली इज़ अ फ्रूट टू, ठीक है। यानी कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि टोमेटो एक फ्रूट है, और चिली या फिर मिर्चें वगैरह, ठीक है। सीड्स क्या होते हैं? ब्रॉड बीन्स एंड पीस आर सीड्स दैट ग्रो इन पॉट्स अबव द ग्राउंड। पॉट्स का मतलब होता है फली, या फिर इस तरह की चीज़ में, यानी किसी कवर में। तो ब्रॉड बीन्स यानी बीन्स, जैसे लोबिया के बीज वगैरह होते हैं, पीस यानी मटर, सेम के बीज, ये सारी चीज़ें एक पॉट्स में ग्रो करते हैं, जिसको हम कहते हैं सीड्स, ठीक है। ये सीड्स पार्ट है। इसके बाद आते हैं ऑनियन पे। ऑनियन इज़ अ बल्ब पार्ट ऑफ अ फ्लावर। द ऑनियन इज़ अ बल्ब, ऑनियन एक बल्ब होती है, बल्ब की तरह होती है, यानी बल्ब फ्लावर का पार्ट है। ऑनियन कैन ग्रो फ्रॉम बल्ब्स और फ्रॉम सीड्स। ऑनियन जो है वो इसके बल्ब से भी ग्रो होती है, और इसके सीड्स से भी ग्रो होती है,